परमात्मा का विधान है। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। एक बार सच्चे नाम से आज कोई जुड़ जाएगा, आज उसने नाम ले लिया, कितना रोगी है और चाहे उसकी कल मृत्यु हो जा, नाम लेते भी हो जा, तो अभी परमात्मा अपने बही में लिख लेगा उस आत्मा को कि मेरी होगी भी। अपने आत्माओं हमने असंख्य जन्म बर्बाद कर दिए, असंख्य जन्म मनुष्य के खो चुके हो आप। ये पहला शरीर नहीं जागा जो आज आपका जाने वाला है, मान ले कभी भी, ये तो असंख्य बर्बाद हो लिए। तो कपड़े हैं, कुर्ते पजामे हैं, तो आपकी शरीर बॉडी ऊपर का, और इस नाम के लेते ही आपके कई सैकड़ों कुर्ते पजामे खूटियों व अलमारी में रख दिए जाते हैं। मनुष्य आज आपको नाम लेते ही और चाहे अगले पल मृत्यु हो जाती है। वैसे तो ऐसा नहीं होगा, जो सच्चे दिल से आते हैं उनको राहत मिलती है, उनका मनुष्य जीवन एक्सटेंड होता है, आयु भी बढ़ाता है परमात्मा। एक उदाहरण के लिए कहते हैं कि जो अविश्वास रूप में भी आके नाम ले लिया, अब देखेंगे किसी के कहने से आते हैं रोगी बहुत से, तो देख लेते हैं एक बार चल के, तो वो उनको भगवान वैसे उसको एक्सटेंड नहीं करेगा। उनका पता है कि इसको मैंने जीवन भी दे दिया, यू आगे फिर वो बकवाद करेगा। तो परमात्मा ने तो अपनी आत्मा देखनी है कि इसका उद्धार क्यों कर होगा। तो नाम लेते ही यदि उसकी मृत्यु भी होगी तो भी भगवान के अकाउंट में आ गया, और 10 महीना में फिर जन्म देकर उसको फिर बुरवाला बुला लेगा, वह शुरुआत होगी उसके जीवन की। तो यहाँ आने वाले व्यक्ति को हानि कति नहीं है, और कति ज्ञान सुनकर समर्पित होकर आओगे तो आपकी कैंसर के कैंसर का बाप भी ठीक हो जा। भगवान किसे कहते हैं, वाह भाई वाह। यहाँ पर कम से कम लाखों भक्तों के कैंसर तक के रोग ठीक हो चुके हैं, जिन समर्पित भाव से परमात्मा पर विश्वास करके नाम लिया और मर्यादा निभाई। क्योंकि दुखी आदमी मर्यादा खूब निभाता है, सुखी तक गड़बड़ कर देता है, समाज को गणा देखे उसने तो अपनी जान दिखाई देती है, तो उस पर जल्दी राजी हो है भगवान, जल्दी प्रसन्न होता है, उसका जीवन भी बढ़ावेगा और उसको रोग से मुक्त भी करेगा। लेकिन करेगा अपने हिसाब से, उसकी नीत देख के।